अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरम फैशन ब्यूटी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 साल के बच्चे की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए कपड़ा मैंने 1.5 मीटर लिया है। कपड़े को मैंने आयरन करके अलग अलग पार्ट्स में कर लिया है। ये इसकी जो बेल्ट बनानी है उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है। ये इसकी स्लीव्स का कपड़ा है, ये बॉडी है और ये इसकी फ्रिल है। इसकी मेजरमेंट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये फ्रिल का कपड़ा है, इसकी लाइनिंग मैंने इस तरह लंबी ली है। चौड़ाई इसकी 14.5 इंच है। और लंबाई इसकी 15.5 इंच है। ये कपड़ा 4 फोल्ड है। ये इसकी बॉडी का कपड़ा है। बॉडी के कपड़े की लाइनिंग मैंने इस तरह ली है। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसकी चौड़ाई 17 इंच है। इसको डबल फोल्ड करूंगी दोनों पार्ट्स को अलग अलग। पीछे वाला जो हिस्सा है वो मैं इससे 2 इंच ज़्यादा रखूंगी, क्योंकि यहाँ से मैंने इसके पीछे से पट्टी बनानी है। डबल फोल्ड है तो 2 इंच ज़्यादा हो जाएगा ये। अब बॉडी की मेजरमेंट कर लेते हैं। लंबाई इसकी 10 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी आपको बताई है कि 17 इंच है, तो आप जितनी रखना चाहें रख सकते हैं। अब बॉडी की जो मार्किंग के लिए हम लेंगे, वो बॉडी की अगली साइड से हम मार्किंग करेंगे। पीछे वाली साइड क्योंकि हमारी ज़्यादा है, इसलिए उसकी मेजरमेंट नहीं हमने करनी। मुझे 9 इंच 13 चाहिए, तो मैं 10 इंच 5 इंच पर यहाँ पर मार्क करने लगी हूँ, क्योंकि 1/2 इंच इसका मार्जिन है। साढ़े 5 इंच इसका मैंने आर्म होल दिया है। जस्ट मुझे यहां से इसकी 13 इंच चाहिए, तो मैं इसको 6.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। यहाँ फिटिंग से 6 इंच चाहिए, 12 इंच, तो 6 इंच पे यहाँ पर मार्क करूँगी। इस लाइन को ऐसे आपस में मैच कर दूँगी। यहाँ कंधे से मैं इसको गुलाई की शेप दे लूँगी। यहाँ गला मैंने इसका 2.5 इंच पे मार्क किया है। और 1.5 इंच इसकी गहराई ली है। मार्किंग इसकी कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं इसके पहले गले की कटाई करूँगी। यहाँ मैं इसका 1/2 इंच अंदर मार्जिन रखी हुई हूँ सिलाई के लिए।
बॉडी का जो अगला हिस्सा है उसके गले की मैं 1 इंच और कटाई कर लूँगी आगे से। बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये 4 फोल्ड है। साढ़े 6 इंच ये लंबे हैं और 8 इंच इनकी चौड़ाई है। चौड़ाई मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसके ऊपर चुनर बनाने हैं। अब यहाँ से 3 इंच छोड़ते हुए यहाँ कंधे का निशान लगा लूँगी कटिंग के लिए और अब इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। आगे से भी मैं इसकी कटिंग ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि मैंने आगे से भी इसके चुनर बनाने हैं। मामूली से बस इसकी पीछे कटिंग करें। इसकी कटिंग भी हो गई है। अब जो ये बॉडी की बैक साइड है जो कि 2 इंच ज्यादा रखी थी, यहाँ सेंटर से इसको कट करूंगी और अब इसको 1 इंच अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लूँगी दोनों साइडों पे और इनको ऊपर नीचे रख के पीछे की तरफ साइड बंद कर लूँगी। पट्टी बना लूँगी, पीछे से पट्टी मैंने इसकी बना ली है। यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई लगाई है, आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। अब जो इसकी बॉडी की फ्रंट साइड है उसको सीधा आपस में इन दोनों साइडों को रखते हुए यहाँ से कंधे की सिलाई लगा लूँगी। कंधों की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैंने ये 21 इंच लंबी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। ये 2 इंच चौड़ी है पट्टी मैंने ली है। इसकी एक साइड पे मैं बारीक फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे रनिंग स्टिच कर लूँगी और गले की साइड सारी साइड पे लगा लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी आगे से बारीक फोल्ड कर लिया है और यहाँ से चुनट बना लिए हैं और इसके साथ यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। अब एक मैंने पट्टी ली है तिरछी जो कि मैं इसकी अंदर वाली साइड पे ऐसे लगाऊंगी और बाहर इसको फोल्ड करके इसकी मगजी बना लूंगी। मगजी मैंने लगा ली है और गला इसका कम्प्लीट हो गया है। अब इसकी स्लीव्स जो है वो यहाँ पे मैं इसकी चुनट बनाऊंगी और आगे वाली साइड पे भी मैं इसकी चुनट बना लूंगी। चुनट बनाने के बाद मैं इसकी आगे मगजी लगाऊंगी। बाजू राडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स दोनों रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर वाली साइड पे मैंने चुनट बना लिए हैं और आगे भी चुनट बना के मगजी लगा लिया है। अब दोनों स्लीव्स को उसकी बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। बाजू बॉडी के साथ अटैच हो गए हैं। अब इसकी जो फ्रिल है यहाँ से मैं इसको रनिंग स्टिच करूंगी दोनों साइडों को और बॉडी की दोनों साइडों पर अटैच कर लूंगी। बॉडी और फ्रिल की दोनों साइडें आपस में अटैच हो गई हैं। अब मैं इसकी उल्टी साइड करूंगी, यहाँ अंदर से सिलाई लगा लूंगी और दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लूंगी और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसके अंदर की दोनों साइडों की सिलाई लगा ली है और नीचे से भी इसको 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं सीधा कर लूंगी। अब ये मैंने 1 इंच कपड़ा लिया है, इसको दोनों साइडों से ऐसे फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूंगी और इसके कुंडे बना लूंगी। यहाँ पे लगाऊंगी बैक पे और एक इधर और एक इधर इधर। ये मैं बेल्ट के लिए इसके कुंडे लगाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे और इसकी साइडों पे और एक इसकी बैक साइड पे यहाँ पे कुंडे लगा लिए हैं
इसकी लंबाई 2 इंच है और यहाँ से मैंने इसकी दोनों साइडों से 3-3 इंच छोड़ के ये वाले कुंडल लगाए हैं। अब जो इसकी बेल्ट है, बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 इंच खुला है, मार्जिन इसके अंदर ही है। यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी इसको। और इसकी लंबाई है ये 23 इंच है, 23 इंच। ये डबल फोल्ड है तो टोटल होगी 46 इंच। बेल्ट तैयार करके मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। बेल्ट की अंदर वाली साइड पे मैंने यहाँ सारी सिलाई लगा ली है। यहाँ से इसका थोड़ा सा हिस्सा ओपन मैंने छोड़ा है। अब मैं बेल्ट को सीधा कर लूँगी। बेल्ट सीधी हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूंगी और इसको प्रेस कर लूंगी और फिर इसके अंदर फ्रॉक की जो मैंने लगाई है, कुंडी लगाई है, उसके अंदर मैं डाल लूंगी। बेल्ट मैंने सीधी कर लिया है और यहाँ से भी मैंने इसको सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको फ्रॉक के अंदर डालूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने बेल्ट को आगे से बांध दिया है। अब आप इस बेल्ट से जितनी चाहे फिटिंग कर सकते हैं, लूज रखना चाहे तो लूज रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसकी बेल्ट आगे से बांध ली है। बेल्ट से आप जितनी चाहे इसकी फिटिंग कर सकते हैं, अगर लूज रखना चाहें तो लूज रख सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल लगेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।